बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ एडवोकेट तारा चौधरी। जैसे कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपको बेनिफिट्स ऑफ फाइलर बताऊंगी, मतलब फाइलिंग ऑफ रिटर्न यू बिकम अ फाइलर, तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं। फर्स्ट बेनिफिट, यू बिकम इन अ टैक्स नेट। आप हुकूमत के टैक्स नेट में आ जाते हैं, योर इनकम बिकम वाइट। सेकेंड, यू हैव टू पे less taxes on the transfer of property, on the purchase of property, on the sale of property, on the registration of property। मतलब कि अगर एक नॉन फाइलर बंदा रजिस्ट्री करवाता है तो वो जहाँ पर 7-8% taxes पे करेगा, आपको वहाँ पर थोड़ी रियायत होगी। FPR अगर वो 2% पे करता है तो आपने 1% पे करना है। ऑन द परचेज ऑफ मोटर व्हीकल, अगर आप कोई मोटर व्हीकल खरीदते हैं, जैसे कि कोई गाड़ी या आप कोई 1000 cc से ऊपर गाड़ी खरीदते हैं या कोई मोटर बाइक कुछ भी खरीदते हैं, इसके ऊपर आपने टैक्स देना है। तो अगर आप फाइलर हैं तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो ज़्यादा देने पड़ेंगे। लेट सपोज आप 1000 cc की गाड़ी की ले लें कि अगर नॉन फाइलर 1.5 लाख पे करता है तो फाइलर ने 50,000-75,000 पे करना है। ऑन दी टोकन ऑफ मोटर व्हीकल्स, मतलब 1300 cc से ऊपर जो गाड़ी है उसके ऊपर टोकन टैक्स लगता है हर साल, तो आपको उसमें भी रियायत है। अगर आप फाइलर हैं तो कम टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप बैंक से पैसे निकलवाते हैं 1 लाख रुपया, तो 0.6% वो आपकी डिडक्शन करते हैं, लेकिन अगर आप फाइलर हैं तो वो आपकी 0 डिडक्शन करेंगे। मतलब विद होल्डिंग विदड्रॉल कैश वो नहीं करेंगे, आपका कोई टैक्स नहीं कटेगा। यू गेट अ प्रेफरेंस इन अ गवर्नमेंट लोन, और आपको अगर कोई गवर्नमेंट टेंडर चाहिए, अगर आप कॉरपोरेट पैनल में काम करते हैं, अगर आप गवर्नमेंट पैनल लेना चाहते हैं तो यू हैव प्रेफरेंस। उसके अलावा जो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बेनिफिट है, जब मैंने भी अपनी लाइफ में इसका बेनिफिट देखा, वो है एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ इनकम बाय योर वीज़ा प्रोसेसिंग। जैसे कि लोग वीज़ा प्रोसेस करते हैं, अगर उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ है तो इसमें उनको बहुत फ़ायदा होता है। वो एक्यूरेट असेसमेंट आ जाती है, वो ऑनलाइन है, 1 लिंक के थ्रू चेक हो जाती है और ऑनलाइन है, और आपका बिल्कुल एक्यूरेट रिकॉर्ड्स हो जाता है। जो आपने स्टेटमेंट प्रूफ दिया होता है वो पता चल जाता है कि वाकई ही इस बंदे के पास इतने पैसे हैं, ये फेक स्टेटमेंट नहीं है। अब मेरे से किसी दोस्त ने सवाल किया है कि क्या हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो हमें टैक्स देना पड़ेगा? ये ज़रूरी नहीं है। ये एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपको टैक्स देना ना पड़े। लेट सपोज एक बंदा है, वो 12 लाख रुपया उसकी एनुअल इनकम है और उसका ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हो रहा है, इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी डिडक्ट कर रहा है और वो डिडक्ट कर उसका पे भी करा रहा है गवर्नमेंट टिशोरी में। अब अगर वो फाइलर नहीं है तो वो तो फजूल में ही जमा होता जा रहा है, लेकिन उसको इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। अब उसने इसका बेनिफिट लेना है तो इसके लिए तो उसे फाइलर होना पड़ेगा। तो अगर 12 लाख रुपया इनकम है तो उसका मैक्सिमम 40-50 हज़ार रुपये टैक्स डिडक्ट हुआ है बाई इंस्टीट्यूशन, जिस इंस्टीट्यूशन के अंडर वो काम करता है। आप जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो उसके अंदर डिक्लेयर कर देगा अपनी टैक्स डिडक्शन और अपनी सैलरी। और अगर इसके अलावा उसने एडवांस टैक्सेस दिए हैं, जैसे कि बिजली के बिल पे, फ़ोन पे, बहुत से लोग कहते हैं कि हम सोका कार्ड करते हैं और 70 रुपीज़ क्यों आते हैं, वो इसीलिए आते हैं कि आपका टैक्स डिडक्ट होता है एडवांस टैक्स की मद में। और उसके अलावा आप अगर कोई बच्चे की फ़ीस देते हैं तो उस पर भी आपसे एडवांस टैक्स लिया जाता है। मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस में तो डेफिनेटली वो 40-50,000 एडवांस टैक्स लेते हैं एनुअली, हर बच्चे की फ़ीस के ऊपर पेरेंट्स पे करते हैं। तो अगर आपका ये टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है और आप सैलरी पर्सन है और आपका ऑलरेडी बाय इंस्टीट्यूशन टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है, जो आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न डिक्लेयर कर दिया है, तो फिर जो बाकी के टैक्सेस हैं, बिजली के बिल के ऊपर जो टैक्सेस दिया, फ़ोन के ऊपर जो टैक्स दिया, मोबाइल कार्ड के ऊपर जो टैक्स दिया, बच्चे की फ़ीस के ऊपर जो टैक्स दिया, जो ट्रैवल टिकट के ऊपर टैक्स दिया, या कोई भी एडवांस टैक्स, वो आपका एडजस्ट होकर रिफंडेबल है। आपने ये बात याद रखनी है कि वो आपका अगर इनकम से बियॉन्ड टैक्स डिडक्ट हो चुका है एडवांस मद में, तो वो आपका रिफंडेबल है। यू कैन क्लेम एंड गेट द रिफंड। आप अपना रिटर्न फाइल करने के बाद अपनी रिफंड की एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं आईआरएस पोर्टफोलियो से बाय FBR वेबसाइट, और उसको क्लेम कर सकते हैं बाय विजिटिंग योर नियर FBR ऑफिस। इट्स अ पर्क बेनिफिट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं मजीद वीडियो बना सकूँ। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।